अपना हाथ यहाँ पर रखिए, आपको इसको हाथ को प्रेस करना है, ठीक है? मेरी आंखों में देखिए, प्रेस कीजिए और जोर से, और जोर से, और जोर से, एंड स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, 10, 9, 8, 7, 6, मैं जैसे जैसे उठाता चला जाऊंगा और डीपर चली जाएगी, और डीपर, और डीपर, और डीपर, और डीपर, और डीपर। अपने दोनों हाथ यहाँ पे रख दीजिए। अब आपके दोनों हाथ एकदम स्ट्रक्ट हो जाएंगे, जैसे ही आपको मैं 1, 2, 3 बोलूंगा आपकी आंखें खुलेंगी, लेकिन आपको बहुत प्यास लगेगी, लेकिन जैसे ही आप हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगी पोर्टल की तरफ, उतने ज्यादा आपके हाथ स्ट्रक्ट होते चले जाएंगे, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, आप सहन नहीं कर पाओगे, आपका गला बहुत सूख जाएगा, मम्स बहुत आने लगेंगे, लेकिन आप अपने हाथ को उठा नहीं पाएंगे। और जैसे ही कुछ देर के बाद मैं ओम बोलूंगा, आपकी वो पूरी इच्छा पानी पीने की खत्म हो जाएगी और आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, माइंड की डीप लेवल्स में चले जाएंगे। 1, 2, 3 ओपन योर आइज। क्या प्यास लग रही है आपको? पानी पीना है? अपना हाथ उठाए, जितना हाथ उठाने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्ट होते चले जाएंगे। हाथ उठाइए, जितने ज्यादा हाथ उठाने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्ट होते चले जाएंगे। हाथ उठाइए, पीजिए पानी, जितने ज्यादा हाथ उठाएंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्ट होते चले जाएंगे। आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा हाथ उठाना, आपकी प्यास बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फिर भी आप हाथ नहीं उठा पा रहे, जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे हाथ उठाने की उतनी ज्यादा स्ट्रक्ट होते चले जाएंगे। लीजिए पानी, लीजिए ना, जितने ज्यादा उठाने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्ट होते चले जाएंगे। ओम जब फीडिंग करेंगे तो उसके अंदर फीडिंग करेंगे कि जब भी कुछ चीज को आपको नीड महसूस होगी आप अपने हाथ नहीं उठाएंगे। मैं इस प्रैक्टिकल का बहुत यूज करता हूँ। आप बहुत टेंस फील करेंगे, जैसे ही अगर आपने उसको टच कर दिया तो आपकी बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी, जैसे ही आपने उसका पहला कश लिया और ज्यादा बेचैनी बढ़ जाएगी। आपकी वो बेचैनी तब तक रहेगी जब तक कि आप उसको थ्रो नहीं कर देते हो, आपके हाथ स्ट्रक हो जाएंगे, आप उसको टच ही नहीं कर पाओगे। इन सब प्रैक्टिकल्स का मैं बहुत यूज करता हूँ। स्क्रिप्ट्स बहुत पढ़िए लेकिन अपने प्रैक्टिकल बनाइए, तो ये बहुत यूज आ जाता हैबिट को छुड़ाने में। फिर उसको ट्रिगर, हम आपको समझेंगे ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर यही ट्रिगर होता है, पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर, ट्रिगर सेट करना कि आज के बाद जब कभी हिप्नोसिस के लेवल के बाद भी आपको इच्छा होगी तो आप उसे टच नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ स्टिफ्ट हो जाएंगे, बढ़ेंगे ही नहीं आगे उसको लेने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट को छुड़ाने में। मोबाइल की हैबिट है बच्चों को, आपका मन बेचैन हो जाएगा जैसे ही मोबाइल को टच करेंगे। ऑपरेशन थिएटर का यूज कीजिए कि आपके काउंसलर उन्हें समझा रहे हैं कि अब मोबाइल से आपको बहुत बेचैनी मिलेगी, जैसे ही टच करोगे आपके अंदर एकदम से बेचैनी फील होगी। वो जब तक बेचैनी आप रहेगी जब तक आप उसे वापस रख नहीं देते। टीवी देखते ही आपको बहुत बेचैनी, एक्चुअल में क्या है मोबाइल से उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है। आप देखेंगे कि आपका मोबाइल आधे घंटे आपके पास नहीं है, आप बेचैन बेचैन से हो गए, क्योंकि आपने मोबाइल के साथ अपने माइंड को रिलैक्स होने सिखाया। अब उल्टा हो जाएगा कि मोबाइल के साथ बेचैनी तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो वो पोस्ट हिप्नोटिक ट्रिगर्स के द्वारा आज के बाद भी ट्रिगर्स का एक चैप्टर चलाते हैं, ट्रिगर्स समझाते हैं कि कैसे ट्रिगर्स लगते हैं। थैंक यू।